नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि आप अगर ट्रेन में सफ़र करते हैं या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और वो भी ट्रेन से आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो कई बार आपको जानना होता है कि आपकी ट्रेन है जो कि कहाँ पर है, कहाँ पे कब पहुँचेगी और कितने टाइम से लेट चल रही है और क्या स्टेटस है ट्रेन का। तो आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल दूंगा कि आप ट्रेन से रिलेटेड अपनी कैसे जानकारी निकाल सकते हैं पूरी, यहाँ तक कि आप अपने ट्रेन की स्पीड भी पता कर सकते हैं कि वो कितने स्पीड से अभी चल रही है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आज के इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो किसी भी ट्रेन का स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है यहाँ से, जिसका नाम होगा वेयर इज़ माई ट्रेन। इस वाले एप्लीकेशन को ऐसे करके आप जो कि सर्च कर लेंगे। अब आपके पास कुछ इस टाइप का आएगा, ये देख रहे हैं, ये मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा था, मेरे फ़ोन में ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आपको इसको है जो कि इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन के अंदर। तो मेरे में पहले से इंस्टॉल है, मैं इसे यहाँ पर सिंपली ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप ओपन करेंगे देख सकते हैं इसके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस है। यहाँ पे आप अपनी भाषा को चुन सकते हैं, जिस भी भाषा में आप आगे प्रोसेस करना चाहते हैं। तो मैंने इंग्लिश पे सेलेक्ट कर रखा है, सबमिट के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं, देखिए आप स्पोर्ट वाले पे ऑप्शन पे है जो कि आप चेक कर सकते हैं आपकी ट्रेन कहाँ पर है। पीएनआर से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका जो कि टिकट का पीएनआर का स्टेटस क्या है, और यहाँ पे आप जो कि टिकट बुकिंग भी कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आप जो कि अपना पीएनआर कैसे चेक कर सकते हैं। तो बता दूं आपको, पीएनआर नंबर वो नंबर होता है जब आप टिकट बुकिंग करते हैं तो आपको एक नंबर दिया जाता है, उसी को पीएनआर नंबर कहते हैं। वो आपके टिकट्स पे लिखा होगा, आप वहाँ से देख के यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अपना पीएनआर नंबर एक डाल के दिखा देता हूँ, जो कि टिकट है हमारी थोड़े दिनों बाद की। तो यहाँ पर है जो कि मैं अपना पीएनआर नंबर डाल देता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये प्रोसेस करके। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपना पीएनआर नंबर डाल दिया। हम यहाँ पे फाइंड स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले स्टेटस पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप इस पे स्टेटस पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर है जो कि कुछ ऑप्शंस आएंगे। ये हमारा पीएनआर नंबर है, यहाँ पर है जो कि आपको सबमिट कर देना होगा इसे। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको प्लस करने पर कितना आएगा। तो आपको है जो कि इसका जवाब है यहाँ पर भर देना है। आपसे अलग अलग टाइप के कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, तो उस हिसाब से है जो कि आपको यहाँ पर भर देना होगा दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर ये भर दिया है, अब जो कि है मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। तो जैसे हमने सबमिट करा है, देख लीजिए हमारे ट्रेन का स्टेटस आ गया है, ये हमारे ट्रेन नंबर आ गया है, ट्रेन का नाम आ गया है, और जिस डेट की हमारी टिकट है वो आ गया है, और कौन से स्टेशन से कहाँ तक की है वो भी आ गया है। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है पूरी डिटेल, और फिर यहाँ पर आपकी टिकट की डिटेल्स आ जाएगी, हाउ मैनी पैसेंजर, पैसेंजर वगैरह कितने हैं, और जो कि है आपकी बर्थ आ जाएगी यहाँ पर, अगर कंफर्म टिकट होगी आपकी और वेटिंग में होगी तो यहाँ पे वेटिंग दिखाएगा। ये देख लीजिए ये हो चुका है यहाँ पर, ये इससे आप जो कि चेक कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूँ, अगर आपको है जो कि ट्रेन में ये सब का मतलब नहीं पता जो कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर CNF लिखा हुआ है वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CNF का मतलब क्या होता है, WL का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए CNF का मतलब होता है कन्फर्म बर्थ नंबर, इसे कहते हैं। और भी चीज़ आप देख सकते हैं, जैसे कि WL का होगा वेटिंग लिस्ट नंबर, ऐसे ऐसे करके आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको लाइव ट्रेन रनिंग स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बैक कर लेना है इसको, और यहाँ से हम हटा देते हैं। अब यहाँ स्पोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप चाहो तो फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन कर सकते हो, पर सबसे सिंपल तरीका है आप यहाँ पे ट्रेन का नंबर डालो, जो भी आपका ट्रेन का नंबर हो वो नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ, एक नंबर जो कि होगा अपने ट्रेन का नंबर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर डाल के। तो देखिए ये जो ट्रेन है, इसमें मैंने हाल फिलहाल में सफ़र किया था जब हम गोवा के टूर पे गए थे। तो ये देखिए ये ट्रेन का नंबर मैंने जैसे ही डाला, यहाँ पर नाम आ गया है, और जहाँ से शुरू होती है और जहाँ पे ख़त्म होती है ट्रेन वो आ गया है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, तो देखिए जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर है जो कि आपको अपनी लोकेशन भी ऑन कर लेनी होगी। तो यहाँ पर आप लोकेशन ऑन कर लेंगे तो आपको है जो कि ट्रेन का पूरे लाइव लोकेशन दिखेगी कि जहाँ पर आप हो वही लोकेशन आपको बताएगी। जैसे कि आप सब देख सकते हैं अभी जो कि ये ट्रेन है जो कि पनवेल जंक्शन पे पहुँचने वाली है, और यहाँ पे टाइम भी दिखा रहा है कि इसका क्या टाइम है और डिले टाइम कितना है, 4 मिनट डिले से चल रही है ये ट्रेन। देख लीजिए यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है, टाइमिंग भी आपको मिल जाएगी और डिले टाइमिंग भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये देखिए नासिक कब पहुँचेगा ये, और पूरे डिटेल में आपको दिख रखा है।
और ये दिल्ली कब पहुँचेगी, कल पहुँचेगी ये 1:20 पे। तो देख लीजिए इस तरीके से है जो कि आपको पता लगता रहेगा कि आपका ट्रेन कहाँ पर है। और अगर आप ट्रेन में बैठे हैं तो आप अपनी लाइव लोकेशन चेक करेंगे तो आपको है जो कि यहाँ पर अपनी स्पीड भी दिखाएगा ये कि कितनी स्पीड से है जो कि ये वाली ट्रेन चल रही है। तो ये सबसे सिंपल ऐप है जो कि आपको पूरी डिटेल देता है आपसे ट्रेन से रिलेटेड। तो मेरे हिसाब से आपको ये वाली एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहिए जब भी आप ट्रेन वगैरह में सफ़र करें, आपको एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेन की पता लगेगी और पूरी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशनल कंटेंट मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। आज बस इतना ही, तब मिलेंगे किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।